सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 संस्कृत में पाठ 1 सुभाषितानी का अध्ययन करेंगे। सु का मतलब होता है अच्छे, भाष माने भाषा यानी अच्छी भाषा, अच्छे वचन। आज हम इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर की जो संस्कृत है उसका उच्चारण करूंगी, उसके बाद जो उसमें कठिन शब्द आए हैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। इस तरह आपको चैप्टर पूरा अच्छे तरह से समझ आ जाएगा। तो बच्चों शुरू करते हैं। पृथ्वीयां त्रीणि रत्नानि जल जलम अन्नम सुभाषितम्। मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विद्यते। पृथ्वीयां पृथ्वी पर, जलम अन्नम जल और अन्न यानी अनाज, सुभाषितम मधुर वचन मीठे वचन, मूढ़े मूर्खों द्वारा, पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों में, खंड पत्थर के टुकड़े, खंड माने टुकड़े, पाषाण पत्थर, रत्न संज्ञा रत्नों का नाम, विद्यते किया जाता है या दी जाती है। पृथ्वीयां त्रीणि रत्नानि, इसका अर्थ हुआ पृथ्वी पर तीन रत्न हैं। जल अन्नम सुभाषितम, जल अन्न और सुवचन। मूढ़े परंतु मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों को, रत्न संज्ञा रत्न मतलब रत्नों की संज्ञा विद्यति दी जाती है। पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल अन्न और सुवचन, परंतु मूर्खों द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा दी जाती है या दी गई है। अर्थात मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न समझते हैं, जबकि असली रत्न तो जल अन्न और अच्छे वचन हैं। बच्चों अब ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। सत्येन धारते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वे सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन सत्य से, धारते धारण करती है पृथ्वी, धरती या वसुंधरा। सत्येन सत्य से, तपते तपता है रवि सूरज। सत्येन वाति, सत्य से वाति बहती है वायु। सर्वे सर्व सब कुछ, सत्य सत्य में प्रतिष्ठितम स्थित है। सत्येन धारते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, सर्व सत्य प्रतिष्ठितम्। अर्थात सत्य से पृथ्वी धारण करती है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही वायु बहती है, अतः सब कुछ सत्य से ही निहित है। सत्येन धारते पृथ्वी, सत्य से पृथ्वी धारण करती है, सत्येन तपते रवि, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्येन वाति वायुश्च, और सत्य से ही वायु बहती है, सर्व सत्य प्रतिष्ठितम्, अतः सब कुछ सत्य से ही निहित है। अब तीसरा श्लोक देखते हैं। दाने तपसि शौर्य च विज्ञाने विनये नये, विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने दान में, तपसि तप में, विनय विनम्रता में, नय नीति में ही निश्चित रूप से कर्तव्य है, करना चाहिए बहुरत्ना अनेक रत्नों वाली वसुंधरा पृथ्वी, शौर्य बल में, दान में तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी अनेक रत्नों को धारण करने वाली है। अर्थात पृथ्वी पर अनेक अद्भुत वस्तुएं हैं, अतः दान तप आदि
कुछ ही वस्तुओं पर आश्चर्य करना उचित नहीं है। इसका हिंदी अनुवाद एक बार और देखते हैं। दान में, तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी अनेक रत्नों को धारण करने वाली है, अर्थात पृथ्वी पर अनेक अद्भुत वस्तुएं हैं। अतः दान, तप आदि कुछ ही वस्तुओं पर आश्चर्य करना उचित नहीं है। आइए अब तीसरा श्लोक देखते हैं। सद्भिरेव सहासीत सद्वि कुर्वितम संगीतम सद्वि विर्वादम मैत्रीम च न सद्भिव किंचित आचरेत। सद्भिरेव सज्जनों के साथ ही, साहसीत साथ बैठना चाहिए, कुर्वित करना चाहिए, संगीतम साथ, सभित विर्वादम सज्जनों के साथ विवाद, मैत्रीम मित्रता, किंचित आचरेत कुछ आचरण करना चाहिए, न सदना सबीदह दुर्जनों के साथ नहीं। हिंदी अनुवाद, हमें सज्जनों के साथ ही बैठना या रहना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही विवाद और मित्रता करनी चाहिए, दुर्जनों के साथ बिल्कुल भी व्यवहार नहीं करना चाहिए, यानी दुर्जनों की संगति में नहीं रहना चाहिए। हमें सज्जनों के साथ ही बैठना रहना चाहिए, बैठना या उठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही विवाद और मित्रता करनी चाहिए, दुर्जनों के साथ यानी जो बुरे मनुष्य होते हैं वो दुर्जनों के साथ बिल्कुल भी व्यवहार यानी संगति नहीं करनी चाहिए। आइए अब अगला श्लोक देखते हैं। धन धान्य प्रयोगेशु विद्यायाः संग्रहेशु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत। धन धान्य के प्रयोगेशु प्रयोग में, विद्यायाः विद्या के, संग्रहेशु संग्रह करने में, त्यक्त लज्जः संकोच छोड़ने वाला, आहारे भोजन करने में, व्यवहारे व्यवहार करने में भवेत होना चाहिए या होता है। धन धान्य प्रयोगेशु धन धान्य के प्रयोग में, विद्यायाः संग्रहेषु च और विद्या के संग्रह में यानी एकत्र करने में, आहारे व्यवहारे च आहार यानी भोजन में और व्यवहार में, त्यक्त लज्जः सुखी भवेत। जो व्यक्ति लज्जा संकोच नहीं करता वह सुखी रहता है। धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार में और व्यवहार में जो व्यक्ति लज्जा नहीं करता या संकोच नहीं करता वह सुखी रहता है। अब छठा श्लोक देखते हैं। क्षमा वशी कृति लोके क्षमा क्षमा के द्वारा लोके संसार में वशी कृति वशीकरण साध्यति साधा जा सकता है। शांति शांति रूपी खड़गह तलवार शांति रूपी तलवार करे हाथ में दुर्जनः बुरा व्यक्ति करिष्यति करेगा। क्षमा वशी कृति लोके क्षमा क्षम्या किं न साध्यते शांति खड़गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। इस संसार में क्षमा यानी माफ़ी माफ़ करना सबसे बड़ा वशीकरण है, बस में करना है। क्षमा से क्या नहीं साधा जा सकता है। जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुर्जन यानी दुष्ट मनुष्य उसका क्या कर सकते हैं, अर्थात क्षमा से हर कार्य संभव है और जो व्यक्ति शांत रहता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमा से क्या नहीं साधा जा सकता है। जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार है,
दुर्जन उसका क्या कर सकते हैं, अर्थात कुछ नहीं। अर्थात क्षमा से हर कार्य संभव है, और जो व्यक्ति शांत रहता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब आशा करती हूँ कि ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आप इसका घर पे ही अध्ययन करेंगे और अच्छे से याद भी करेंगे।